आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स। आज के लेक्चर में हम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को मालूम करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल C 90 डिग्री के बराबर है। ट्राइंगल के वर्टिसेस A, B और C के बिलमुकाबिल साइड्स को बिलतरतीब A, B और C से जाहिर किया गया है। केस नंबर 1। सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल A 45 डिग्री के बराबर है, जबकि पाई ओवर 4 45 डिग्री के बराबर है। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में तमाम एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, लिहाजा इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल B 45 डिग्री के बराबर है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक सी स्केयर बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। वैल्यूज को पुट किया जाएगा। 1 का स्केयर लेने से हमें 1 प्लस 1 हासिल होगा। वैल्यूज को ऐड करने से हमें सी स्केयर इज इक्वल टू 2 हासिल होगा। दोनों साइड्स का अंडर रूट लिया जाएगा, जिससे हमें सी की वैल्यू अंडर रूट 2 हासिल होगी। दी गई ट्राई एंगल के मुताबिक साइन 45 डिग्री बराबर है ए ओवर सी के, जो कि 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर है। कोसेकेंट 45 डिग्री बराबर है अंडर रूट 2 के। कॉस 45 डिग्री बराबर है बी ओवर सी के, जो कि बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2 के। सेकेंट 45 डिग्री बराबर है अंडर रूट 2 के। टेन 45 डिग्री बराबर है 1 के। कॉट 45 डिग्री बराबर है 1 के। अब हम केस 2 को देखते हैं। जब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 30 डिग्री या मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 60 डिग्री हो, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं, जिसमें आसानी के लिए ए बराबर हो बी के और बी बराबर हो सी के और ये बराबर हो 2 के। क्योंकि इसमें तमाम एंगल्स भी बराबर होंगे और इनका सम 180 डिग्री के बराबर है, लिहाजा हर एंगल 60 डिग्री का होगा। अगर हम इस ट्राइंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली लाइन ट्राइंगल को दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में तब्दील करती हैं, जिसमें दो एंगल्स 30 डिग्री और 60 डिग्री के इक्वल होंगे। ट्राइंगल की हाइट AD पैथागोरस थ्योरम से मालूम की जाती है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर है AB के स्क्वायर के। वैल्यूज को पुट किया जाएगा। एच स्क्वायर हमें 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हासिल होगा। वैल्यूज का स्क्वायर लिया जाएगा। 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 3 हासिल होगा, और जब दोनों साइड्स का अंडर रूट लिया जाएगा, तो अंडर रूट लेने से हमें h की वैल्यू अंडर रूट 3 हासिल होगी। तो ट्राइंगल ADB के मुताबिक साइन 30 डिग्री बराबर है BD ओवर AB के, जो कि 1 ओवर 2 के बराबर है। इसी तरह कोसेकेंट 30 डिग्री बराबर है 2 के। कॉस 30 डिग्री बराबर है AD ओवर AB के, जिसकी वजह से कॉस 30 डिग्री बराबर है अंडर रूट 3 ओवर 2 के। सेकेंट 30 डिग्री बराबर है 2 ओवर अंडर रूट 3 के। टेन 30 डिग्री बराबर है BD ओवर AD के, यानी ये बराबर है 1 ओवर 3 के। कॉट 30 डिग्री बराबर है अंडर रूट 3 के। ट्राइंगल ABD के मुताबिक जब मेजरमेंट ऑफ एंगल A 60 डिग्री के बराबर है, तो साइन 60 डिग्री बराबर है AD ओवर AB के, यानी अंडर रूट 3 ओवर 2 के। कोसेकेंट 60 डिग्री बराबर है 2 ओवर अंडर रूट 3 के। कॉस 60 डिग्री बराबर है BD ओवर AB के, यानी 1 ओवर 2 के। सेकेंट 60 डिग्री बराबर है 2 के। टेन 60 डिग्री बराबर है AD ओवर BD के, यानी अंडर रूट 3 के। कॉट 60 डिग्री बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 3 के। तो ये था हमारा आज का लेसन।